इसी एक्शन को बढ़ाते आगे एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। सुमित जी जुड़ चुके हैं वागले साहब के साथ, सचिन जी जुड़ चुके हैं आशु मदान साहब के साथ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बट यूनाइटेड स्पिरिट्स इसमें अच्छा एक्शन इस समय बना हुआ है। एक बार सचिन जी से इसके चार्ट पर राय लेते हैं। सचिन जी जरा देखें, यूएसएल का चार्ट 2% ऊपर है इस समय, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और अभी पिछले 5-10 मिनट में और बड़ा एक्शन बन रहा है, क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीपांशु, एक अच्छे करेक्टिव के बाद अच्छा कंसोलिडेशन बेस यहाँ पर नजर आया है 1260 के आसपास, एंड वहीं से एक मूव अनलॉक हो रही है। तो क्लियरली एक अच्छे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में या बुलिश सीक्वेंस में लॉक्ड इन रहा है काउंटर। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी अगर किसी की एक्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो। आई थिंक 1256 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश पोजिशन ऐड किए जा सकते हैं। ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखें तो एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है जिसके पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 1400-1410 तक नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक काफी बड़ी लंबी तेजी में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है एंड अभी भी यहाँ से मुझे लग रहा है तेजी एम्पलीफाई होनी चाहिए। तो खरीदारी करने की ही सलाह होगी 1256 के स्टॉप लॉस के साथ। 1256 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स ये है आपके लिए काउंटर जहां पर एक्शन बन रहा है। आइए मैकडोवेल, या आपके लिए एक्शन देख लेते कि क्या कुछ चार्ट्स पर एक्शन है, जरा एक बार राय ली जाए। सचिन जी, मैकडोवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स चार्ट देखिए। अल जी, जैसे हमने जिक्र किया कि एक अच्छे करेक्टिव के बाद एक अच्छा बेस इसने फॉर्म किया है 1260 के आसपास एंड वहां से ये मूव अनफोल्ड हो रही है। काफी समय से एक शानदार बुलिश ट्रेंड में ये स्टॉक लॉक्ड इन रहा है एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से ब्रेकआउट हो रहा है तो मुझे लग रहा है 1405 तक का जो एक पैटर्न टारगेट है वो भी जल्दी हासिल हो जाना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह ही होगी अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो। उसके लिए स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया अराउंड 1255 का ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 1385 से लेके 1405 आई थिंक ये एक क्रूशियल जोन होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो अभी भी यहाँ पर अगर डिक्लाइन आते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड के लिए हेल्दी माने जाएंगे जहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स और बाकी लिकर स्टॉक्स पर रखें नजर, यूएसएल और रेडिको खेतान इन दोनों के लिए स्पेशली ज्यादा फायदे की बात है। आए बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस लेवल टीका। बताएं सर जी, अनिल जी पहला वाला भी एक सेल कॉल रेकमेंड किया था परसिस्टेंस में एंड ये भी रेकमेंडेशन। अरे वो सेल कॉल था आपका, मेरे को बाय कॉल ध्यान में रह गया। तो सेल कॉल था, एक बार जरा वो 3985 पे बेचने की राय दी थी, 4035 का स्टॉप लॉस और 3860 के टारगेट बराबर है सर। एक बार जरा शॉर्ट कॉल वापस लाइए सचिन जी का स्क्रीन पर। सचिन जी लेवल्स बराबर है जी? अनिल जी स्टॉप लॉस 4035 का है एंड टारगेट ऑन द लोअर साइड 3860 का है पोजीशन। सही, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। अब बताएं सर, अब क्या इरादा है जी? रिकमेंडेशन ऑन द सेल साइड ही है एंड ये रिकमेंडेशन हमने अभी हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। यहाँ पर बिकवाली करनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 6 दिन के स्विंग्स को इसने एक साथ तोड़ दिया है अपने 200-day एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे की, अभी इसने एक चाल बना ली है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से वापस एक बार अपना जो इंटरमीडिएट बेस था वो रिविजिट होना चाहिए। लगभग 4660 के आसपास के आने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। तो टारगेट होगा 4660 का। फ्रेश शॉर्ट ऐड करने हैं L&T टेक्नोलॉजीज के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 4865 पे। आइए बढ़ते आगे। इनफैक्ट मदरसन भी आज सुबह थोड़ा एक्टिव हो रहा था, उसके बाद स्टॉक में उतना स्टीम नहीं आया। हीरो मोटो आज सुबह थोड़ा डल था, इस पर भी रखेगा नजर। देखते हैं वहां पर अब अगर मोमेंटम आ रहा है कि रिसेंटली लीड करता है जब भी ऑटो स्टॉक्स में मूव आती है। देखिए वापस मूव दिखा रहा है, 1.5% ऊपर इस समय हीरो मोटो कॉर्प ट्रेड कर रहा है। सचिन जी जरा देखें, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था हीरो मोटो कॉर्प में पिछले हफ्ते के ऑटो स्टॉक्स कंसोलिडेशन में, बट अब वापस एक्शन में आ रहा है। हीरो मोटो कॉर्प पर कोई ट्रेड दिखता है सर? दीपांशु, इनफैक्ट एक अच्छे स्टेबल सपोर्ट के नजदीक ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। डिक्लाइंस अगर होते भी है तो मुझे लगा 5400 से नीचे के लेवल्स आने नहीं चाहिए। एक काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पर आ रहा है, एग्जिबिट कर रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर कहीं जाकर सुधरते हुए नजर आ रही है। तो आई थिंक डिक्लाइंस अगर होते हैं तो 5460 तक खरीदारी करने की सलाह होगी। एंड ऑन द हायर साइड एक जो ब्रेकडाउन पॉइंट था लगभग अराउंड 5750 के आसपास का,
मुझे लग रहा है वहां तक एक ग्रेजुअल अपमूव या रिकवरी हो सकती है। तो फिलहाल डिक्लाइंस अगर मिलते हैं तो खरीदारी करने की सलाह होगी 5460 के आसपास। तो ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर रखनी है आपको नजर, एक्शन में बन रहा है इस समय। विदा लेने का वक्त है बंसल जी, आशीष सर और हमारे वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, जय ठक्कर साहब और सचिन जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ देने। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े भारी भारी थैंक यू सिद्धार्थ जी की तरफ से और जय ठक्कर की तरफ से। जी मैंने ले लिया, थैंक यू आपका। आइए मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है, जिनके सोने और चांदी की चमक थोड़ी फीकी है। चांदी बहुत गिर गई। हाँ बहुत गिर गई सर, 90,000 के नीचे चांदी, 90,000 के नीचे आ गई, नीचे आ गई। 1,00,000 का ख्वाब दिखाया था आपने। 96,000 के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन चला जाएगा सर भाव, चला जाएगा। आएगा, लेकिन मतलब बेशक कमोडिटी मार्केट के फ्यूचर मार्केट में कोई एक्शन ना हो, लेकिन